गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम सब बहुत अच्छे हैं। तो आज फिर से आ गई हूँ मैं एक नए व्लॉग लेकर। तो अभी है दोपहर के 12 बज रहे हैं और हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं और खुशी खेल रही है, दूसरे रूम में है। और मैं अभी जाऊंगी थोड़ी सी किचन में, खुशी को लंच करवानी है। और हस्बैंड सो रही है क्योंकि हस्बैंड साढ़े तीन बजे से जगे हुए थे। 187 के ग्रुप हमारे होटल पे आया है, मतलब हमारे सिर्फ होटल नहीं, बहुत सारे होटल लेकर। तो इसीलिए हस्बैंड सो नहीं पाए थे सुबह। उन्होंने मतलब गेस्ट को सेट करते करते उनका सुबह हो गई थी और अभी थोड़ी देर पहले वो सोए हैं। मैं बोली कि आप सो जाओ, तो ब्रेकफास्ट करके वो सो गए हैं। और कहाँ पे सोया है वो मैं दिखाती हूँ अभी आप सबको, क्योंकि सारा रूम ना गेस्ट के लिए रखा हुआ है। और हमारा जो रूम है वहाँ पे खुशी है, तो खुशी जहाँ पे रहती है वहाँ पे तो सो नहीं पाएंगे अच्छे से, इसलिए वो बाहर सोए हैं। कहाँ पे वो दिखाती हूँ अभी। और हाँ, मुझे ना ये कमेंट बहुत ज़्यादा आती है, बहुत मतलब मुझे इंस्टाग्राम में भी बहुत कोई पूछते हैं ये बात। तो जितना मुझे पता है मैं वो बताऊँगी आप सबको। तो बहुत किसी ने मुझसे पूछा है, तो मैं सोची ठीक है मैं एक वीडियो में ही बता दूँगी। तो दार्जिलिंग में आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहता है और कौन सा टाइम में आप आने से आपका थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस में आपका रूम वगैरह मिल जाएगी, तो वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। जितना मुझे नॉलेज है वो मैं बताऊंगी आप सबको। मतलब मैं अभी 5 ईयर से यहाँ पे हूँ, तो मुझे जितना तक पता है वो मेरी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रूम का रेट आपको किस टाइम में आने से थोड़ा सा मतलब सस्ते में मिलेगा वो मैं आज आप सबको बताऊँगी। और कौन सा सीजन बेस्ट होता है वो भी बताऊंगी। तो चलिए आज मतलब अभी से मैं इस व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। और दार्जिलिंग में सुबह से मतलब रात से बहुत तेज़ बारिश चल रही है, अभी भी बारिश कंटिन्यू है। तो बस अब कुछ दिन है, उसके बाद बारिश बंद हो जाएगा, उसके बाद बहुत अच्छा से वेदर मतलब उस टाइम का सीज़न बहुत अच्छा होता है। सो चलिए अभी मैं खुशी को लंच करवाऊँगी, उससे पहले देखूँगी है क्या लंच के लिए। चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का, अभी 4:30 बज रहा है और मैं हूँ अभी होटल की टेरिस में। तो खुशी को मैंने खाना वाना खिला के उसको सुला दी हूँ और उसके पापा है नीचे। और वेदर जो अभी है ना, बहुत अच्छा सा वेदर है। तो एक झलक मैं आप सबको दिखाती हूँ। और जैसे कि मैं आप सबको बताई कि दार्जिलिंग आने का बेस्ट टाइम और बेस्ट सीज़न कौन सा है और कब आपको आने से यहाँ पर रीजनेबल प्राइस में होटल मिल जाती है, वो मैं आप सबको बताऊँगी अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो मेरे से अच्छा मेरे हस्बैंड को पता है। तो अभी थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ। और चलिए थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ अभी का। तो ये देखिए, मतलब सुबह से ही बारिश हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है और अभी देखिए पूरा फॉगी उस साइड से आ रही है। अभी भी हल्का हल्का बारिश हो रही है, वो देखिए। और उस साइड में है मेल, वो रहा वहाँ पे है मेल। सो चलिए हर दिन मैं आप सबको व्यू दिखाती हूँ, पता नहीं आप लोगों का कैसा लगता होगा। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी इवनिंग हो गई है और मैं पी रही हूँ चाय। तो मुझे आज दूध चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन किया। मैं उतना भी पीती नहीं हूँ, जितना हो सके कम पीती हूँ। और कल मैं केला का पकौड़ा बनाई थी ना, तो वो दिखाती हूँ। देखिए सिर्फ एक है, देखिए सिर्फ एक ही है। मतलब हस्बैंड ने बहुत सारा खाया, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो एक है तो मैं इसे अभी खा लूँगी। हस्बैंड अभी 3 की 4 वो चाय से खा लिया है, हो गया उनका। और खुशी को मैंने यहाँ पर दिया है दूध और चौकोस, तो खुशी ये खा लेगी। उसके बाद मुझे उससे स्टडी करवानी है। और हस्बैंड गया है एक जगह में, तो मैं अभी बताऊंगी कहाँ पे। तो हस्बैंड को लॉटरी लगा है, लॉटरी कितना लगा है वो बाद में बताती हूँ। थोड़ी देर पहले मैं आप सबको बताई ना कि हस्बैंड का ना लॉटरी लगा है, तो वो मुझे बताया नहीं कितना लगा है, बट बहुत खुश थे। कल रात से उछल रहे थे, मुझे लॉटरी लग गया। और मैं खुशी को स्टडी करवा रही थी, तो इतना ज़ोर से मुझे बुलाया, वो मुझे पुकू करके बुलाते थे, तो पुकू। तो मैं सोची पता नहीं क्या हो गया, तो दौड़ के आई, बोला कि मेरा लॉटरी लग गया। तो मैं सोची बाप रे, मतलब वो ना बहुत लॉटरी का नशा है, तो उनको मैं बोलती हूँ इतनी लॉटरी मत काटा करो। तो मैं तो सोची बाप, बहुत सारा लॉटरी लग गया होगा।
फिर आके फिर मैं अच्छे से मिलाई, अच्छे से देखी ना कि कितना है। उस टाइम मैं देख रही हूँ वो 8 बजे का लॉटरी टाइम था, रात 8 बजे का रिजल्ट। वो देख रहा था दोपहर 1 बजे का। हाँ, वो भी वहाँ पे एक नंबर था कि नंबर टर्ज इन छिलो 2 6 2 6 0 8 6 ना, 2 6 0 8 6। तो वो अगर फर्स्ट जाते ना तो उनका 90,000, हाँ मतलब को तो 90,000 उनका होता है। तो बट क्या वो इतना मतलब दोपहर का टाइम का वो देखा था, रात का 8 बजे का नहीं। फिर भी एक नंबर वहाँ से मतलब हस्बैंड का नंबर में था 8 6 0 8 6, और वहाँ पे लॉटरी में लगा था 8 6 8 0 6, मतलब सिर्फ 0 इधर उधर हुआ था। तो वो देख के वो बहुत उछल रहे थे कि मेरा लॉटरी लग गया। एक तो नंबर थोड़ा सा मिस्टेक इधर उधर हुआ, ऊपर से टाइम दूसरा टाइम में देख लिया। मुझे तो बहुत हंसी आया उस टाइम। फिर अच्छे से चेक की तो हाँ ठीक है, लॉटरी लगा। फिर भी लॉटरी लगा तो हस्बैंड आज लॉटरी का मतलब पुरस्कार लेके आए हैं। क्या लेके आए, उठो ना बताओ ना। उसकी बदली हम ये लाए, उठो ना उठो ना हाँ, उठो इसकी ना। बदली जो है ये लाया, या जो पैसा मिला मुझे, हाँ 240 रुपये काट करके आया, 600 रुपये फंसा, 240 का काट करके लाया। तो 600 रुपया का लॉटरी लगाए। उनमें से फिर 240 का वो लॉटरी काट के वो जितना बचा था वो लेके आए। लेके नहीं आए, वो भी दूसरा दुकान में देके आए, और वो कुछ और एक्स्ट्रा मतलब पॉकेट से भी देके आए ना, पॉकेट वो से तो भी, बिल्कुल पॉकेट से भी एक्स्ट्रा बिल्कुल देके आए। हाँ, मतलब 600 रुपया का लगा, उसमें से 150 कल दो तीन सौ सौ बीस रुपया चालीस का काटा, हाँ वो तो चला गया। तो बच रहा है आपको कितना, 280 बचा। कल 320 का काटा था, 600 रुपया फंसा, यानी कि 280 बचा। फिर 280 में से 140 का वो लॉटरी फिर खरीद के दो सौ लाया, चालीस का 240 का। तो 40 रुपया बचा एक्स्ट्रा, और पॉकेट से मतलब वहाँ पे दे के आया है दूसरा दुकान पे, वहाँ पे नहीं, मैं दिखाती हूँ क्या है वो। तो कल से मैं ना बहुत ज़्यादा मुझे मिठाई खाने का मन कर रहा है। खास नहीं खाओ पता नहीं आप लोग क्या सोचोगे, मिठाई क्यों खाने का मन खाओ कर रहा है, बट मैं बहुत ही ज़्यादा स्वीट मुझे बहुत पसंद है। तो जूता देखा छो, तो बहुत दिनों से मैं स्वीट नहीं खा रही हूँ ना बहुत दिन से नहीं। तो मुझे मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मतलब हेल्थ को नज़र रखते हो ना, मैं मीठा उतना नहीं खाती हूँ कुछ दिनों से। पता नहीं कल से मुझे गुलाब जामुन खाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। तो उनको बोले आप यूनिक में जाना, पहले मिठाई लेना, उसके बाद लॉटरी का पैसा लाने जाना। वो गए दुकान पे, भूले गए चला ना, हाँ भूल गया। हाँ दुकान पे गए और भूल गया। जब आए तो मैं पहले ही बोली मिठाई लाया कि नहीं, क्योंकि 600 रुपया क्या है ना, वो तो कोई मायने नहीं रखते हैं। फिर वो आके मुझको बता रहा है नहीं आज दुकान बंद था। फिर मैं सोची यूनिक ना बंद नहीं होता, सिर्फ थर्सडे को कभी कभी बंद होता, थर्सडे को भी बंद नहीं होता ना, कभी कभी बंद होता है, बट ये सीजन का टाइम है ना वो नहीं होता है यूनिक, क्योंकि अभी पूजा का सीजन है। तो मिठाई तो मिठाई का दुकान तो खुला रहेगा ही। मैं सोच में पड़ गई यूनिक दुकान क्या, मैं मुझे खाने का मन किया इसीलिए क्या यूनिक बंद हो गया। बाद में बोल रहा है मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं भूल गई थी। तब ये है हाल। हम मिठाई लाया तो इधर ही, और एक चीज लेके आए हस्बैंड, मैं दिखाती हूँ। और अभी ना काफी ज्यादा ठंड पड़ गया है, तो हस्बैंड को देख के आपको लग ही रहा है, क्योंकि जैकेट देखिए इतना मोटा जैकेट उन्होंने पहना है। ठंड अच्छा खासा ठंड, मतलब बारिश हो रही है ना, और अभी मतलब विंटर आ ही रहा है, इसीलिए ठंड बढ़ गया। हम मिठाई लाए, वो ये लेके आए हैं, ये दूसरा दुकान में पैसा दे के है, ये लाए हैं बिरयानी। तो मेल के पास में ना एक नया दुकान मतलब खुला है बिरयानी की ना, दुकान का नाम देख छो, देखो वो तो नाम नहीं देखा है। तो एक नया दुकान खुला है वहाँ पे, बट 300 रुपया पर प्लेट का लिया है। पता नहीं वहाँ का टेस्ट कैसा होगी, तो आज खा के देखेंगे, उसके बाद ही हम रिव्यू देंगे उस दुकान की, ठीक है। और मैं तो हमेशा दीदी की दुकान की ही बिरयानी खाती हूँ, और हस्बैंड बिरयानी लाने गए वो तो मुझे पता भी नहीं, मैं तो मिठाई की बात बोली थी। और वो ला के बोल रहे हैं बिरयानी, जैसे बिरयानी देखी ना, तो दीदी का मतलब एक मेरी एक दीदी है, उनकी दुकान की बिरयानी बहुत अच्छी होती है। तो मैं जैसे डब्बा देखी, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा मुझे कि आप 300 रुपया प्लेट बिरयानी लाने गए थे, आप दीदी के वहाँ से लाते तो वहाँ पर 150 रुपया प्लेट बहुत अच्छा बिरयानी होती है, तो 2 प्लेट वहाँ पर मिल जाता है हमें 300 में, वो 600 रुपया में 2 प्लेट बिरयानी लेके आए। तो ऐसे ही होता है हस्बैंड, सब ऐसे ही होता है, मतलब पैसे का कुछ ख्याल होता नहीं है। सो अभी मैं खुशी को डिनर करवाऊंगी। हाँ माँ, अब खुशी को देखिए। हाँ तो ठीक ही तो बोलछे, ब्रश करे घुमाते हो तो दादा, ब्रश करे घुमाई ना तो चलिए मैं खुशी को खाना खिलाती हूँ, और मिलती हूँ अभी थोड़ी। हाँ हाँ हाय।
ओके बोलो ठीक আছে করব বলো শোনা আমি তো লোডি মিলাইছি ওকে আশিস করে দিয়েছি জমা পড় দাদা দাও আমি তো জমা পড় যাও লোডিটা মিলাও হ্যাঁ হ্যাঁ বসে না একটা জমা কোথায় দাও লাগে যেতে আমাকে একটা বাইক কিনে দিও মিতা হ্যাঁ কিনে বুঝাবো লাগাও কেডি বিয়ারে तो चलिए मैं खुशी को डिनर करवाती हूँ और उसके बाद जो सवाल आप लोग का है वो मैं हस्बैंड को आंसर देने बोलूँगी तो थोड़ी देर बाद वो बताएंगे ठीक है। तो चलिए मैं खुशी को खिला के आती हूँ। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। बिरयानी वाला कांड तो हो गया, वो आप देख ही लिए हैं, और खुशी को मैंने हॉर्लिक्स वगैरह पिला ली है और अभी हम सोने जाएंगे। उससे पहले मैं बता दूँ कि जो मुझे रिक्वेस्ट मिली है, बहुत कोई मुझे कमेंट करते हैं कि दार्जिलिंग में आने का बेस्ट टाइम कौन सा है और बेस्ट सीजन मतलब बोल सकते हो आप, और क्यों कौन सा टाइम में आने से आपको थोड़ा सा सस्ते में भी रूम वगैरह मिल जाते हैं। मार्च अप्रैल तो कौन की कमें पा जाए। हां एक तो कम होगी ना, तो कौन की टाइम टा भलो ना। हां टाइम टा भलो, वेदर टा भलो। अच्छा मार्च और अप्रैल का जो टाइम है ना, उस टाइम मतलब वेदर ठीक रहता है, बारिश वगैरह नहीं रहती है, तो टाइगर हिल देखा जाए। हाँ टाइगर हिल देखा जाए तो उस टाइम ना सनराइज बहुत अच्छा मिलता है। दार्जिलिंग के जो बेस्ट पार्ट है मतलब सनराइज नवंबर दिसंबर जनवरी उस टाइम, नवंबर दिसंबर जनवरी जो होता है ना, वो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बट वहाँ का उस टाइम का जो वेदर है बहुत अच्छी होती है। अब अगर स्नोफॉल भी आपको देखना है तो आप दिसंबर के एकदम लास्ट जनवरी के फर्स्ट में आप आओ, तो आपको स्नोफॉल भी आपका लग अगर अच्छा हो तो आपको स्नोफॉल भी मिल जाएगी। हाँ टाइगर में दिखाई देती है, दिसंबर का लास्ट से ही दिखाई देना शुरू, दिसंबर लास्ट भी नहीं ना, कभी कभी दिसंबर का बीच में भी दिखाई देती है। तो कुछ दिन पहले मतलब कई दिन आ गया ना, होलो इसे सिक्किम में, सिक्किम में शुरू हो गया है स्नोफॉल होना। तो यही मतलब अगर बेस्ट टाइम आप पूछते हो तो मार्च अप्रैल एक टाइम है, उस टाइम रूम का रेट थोड़ा सा कम रहता है, और मई महीने में बहुत ज़्यादा रूम का रेट होता है, बहुत हाई, जो आपको 5,000 जो आपको मतलब ऑफ सीजन में 1,000 में मिलता है वो 5,000 तक हो जाता है, वो मतलब एक मैं आइडिया दे रही हूँ आप सबको। और इधर आपको पूजा का सीज़न में अगर आप आओगे ना, मतलब अक्टूबर ना, अक्टूबर के सीज़न में अगर आओगे तो बहुत रूम का रेट बहुत ज़्यादा रहता है उस टाइम। फिर आप पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद नवंबर दिसंबर में आओ, मतलब दिसंबर 25 से इधर अगर आओ तो रूम का रेट थोड़ा कम मिलता है। फिर 25 से जनवरी 10-15 तक ना बहुत ज़्यादा रूम का रेट रहता है, और उस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा होती है बट वेदर क्लियर रहते हैं, बहुत अच्छा टाइगर हिल होते हैं उस टाइम। तो बस यही बहुत हुए मुझसे पूछते हैं, इंस्टाग्राम में भी पूछते हैं, क्योंकि बहुत किसी को मेरा यूट्यूब से बहुत फ्रेंड भी बन चुके हैं तो वो सब भी मुझे पूछते हैं। तो मैं सोची ठीक है मैं एक वीडियो ही बना लूँगी इसके ऊपर। सो चलिए मैं बताई हूँ क्योंकि मुझे पता है, और हस्बैंड तो बहुत सालों से दार्जिलिंग में रहते हैं और वो होटल का बिजनेस भी करते हैं, मतलब यही टूरिस्ट लेके ही हमारा सब कुछ चलता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम दार्जिलिंग में रह के ये सब आप सबको हम जानकारी दें, आप सबको बताएं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। हाँ बाबू। सो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और कोई अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मुझे थोड़े से सपोर्ट कीजिएगा। और अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और खुशी यहाँ पे है, ये बाबा बाय बाय बोलता था, गुड नाइट। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। और दार्जिलिंग के बारे में अगर कुछ जानना हो, अगर आप लोग आना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगी और आप लोगों के साथ रहूँगी। सो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।